स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पिछले 10 साल से रानीताल क्षेत्र जबरचंद चोपड़ा की जमीन पर कब्जा कर कुछ लोग रह रहे थे, जिसके बाद परिवादी द्वारा अधिवक्ता सतपाल जसवाल के माध्यम से जिला न्यायालय में केस दायर किया गया, जिसमें जिला न्यायालय द्वारा आदेश करते हुए शासन द्वारा कब्जा खाली कराया गया, जिसमें कब्जाधारी द्वारा कुछ अनैतिक लोगों से राजनैतिक पार्टी गोंडवाना का नाम लेते हुए जमीन मालिक को डराया धमकाया गया, जिसके बाद मूल जमीन मालिक ने उन लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। पूरे मामले की पैरवी करते हुए अधिवक्ता सतपाल जायसवाल ने बताया कि न्यायालय द्वारा उक्त प्लाट को खाली करने का आदेश हो चुका है। मेरा नाम जबरदस्त चोपड़ा है, मैं गोरखपुर में निवास करता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने 2009 में खरीदी थी और मुझे तो अभी कोर्ट के माध्यम से, न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से 10 साल केस लड़ने के पश्चात मेरे पक्ष में डिक्री हुई। डिक्री के पश्चात मुझे कोर्ट से कब्जे का वारंट मिला। कब्जे का वारंट मिलने पश्चात फिर यहाँ आया और मुझे नाजिक, मतलब जिला नाजिक के माध्यम से मैं कब्जा दिलाया गया। उन्होंने मुझे पूरा कब्जा दिला के कब्जे की प्रति दी और मैं कब्जा ले लिया था। फिर रात को मैंने बाउंड्री फेंक दी थी यहाँ, लेकिन उसके बाद रात को जब हम लोग चले गए तो यहाँ एक दो लोग थे, उनसे मारपीट करते हुए ये